हुआवे घबराना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ब्रेकअप जो हुआ है हुआवे और एंड्रॉइड का, और ये शाह साहब के ब्रेकअप से ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। माय नेम इज़ मोहम्मद जमाल और ये है अहमद खालिद। आज इन्होंने ज्वाइन किया इस ब्रेकअप के बारे में बात करने के लिए। और सबसे पहले शुरू करते हैं, ये ब्रेकअप की शुरुआत हुई कहाँ से? रिलेशनशिप के अंदर ना कुछ मामला शुरू से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बेसिकली। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अजमाल भाई बताएं जरा हमारे को। डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई, वाइट सुप्रीमेसी जिसको कहते हैं ना, वो चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने ना चाइनीज ब्रांड्स को ना इतना अपने अमेरिका में आने नहीं देना। ये आखिरी एक साल से इनका ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसपे वो कह रहे हैं कि हमने ना हुआवे को आने नहीं देना। एक नेटवर्किंग साइट पे सिस्को की साइट से उनको बैन कर रहे हैं वो, और आखिरी एक साल से हुआवे के सारे स्मार्टफोन्स बैन है कम्प्लीटली। डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड ये है कि वो कहता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना, वो इस जाइंट जो है ये टेक का, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और वो अमेरिका के लोगों को स्पाई कर रहे हैं। ट्रंप साहब की कुछ प्राइवेट ईमेल्स थी, उनके ऊपर भी एक्सेस हो गई। ऐसे ही है वो अभी करंट यूजर्स में, सबसे पहले मार्केट में यही सारे कह रहे थे, मीम्स बहुत बन रही हैं कि भाई हुआवे यूजर्स के मोबाइल चोरी हो रहे हैं तो वापस कर रहे हैं कि भाई हुआवे का मोबाइल है, अब क्या होगा इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, हुआवे इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, उनको इफेक्ट होगा ऑब्वियसली। गूगल को इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, उनका कस्टमर था हुआवे जो उन्होंने लूज़ किया है इस बैन की वजह से। हुआवे को कुछ इस चीज़ का आइडिया था, उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था। 2012 से वो अपना ओएस बना रहे हैं HongMeng के नाम से, HongMeng ओएस के नाम से वो बना रहे हैं। तो इसके ओएस के अलावा जो एंड्रॉयड ने कट ऑफ किया है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, हुआवे को किस किस कंपनी ने अभी तक बैन किया है अमेरिका के अंदर? एक तो इंटेल ने किया है, चिपसेट अपने चिपसेट से उन्होंने देने, लैपटॉप्स में जितने हुआवे के हैं उन पर वो नहीं देंगे बिल्कुल। गूगल ने तो कम्प्लीटली अपना कह दिया ना कि हम आगे कोई हेल्प ही नहीं करेंगे, जितनी न्यू मोबाइल्स आ रहे हैं ना उस पर तो कोई नहीं होगी। लेकिन करंट यूजर्स को हाँ, उन्होंने क्लेरिफाई किया भी, आई गेस टू डेज पहले उनका या जब ये सब हुआ है तो उन्होंने क्लेरिफाई किया, जो करंट यूजर्स हैं ना हुआवे के, वो उनको वो गूगल प्ले स्टोर की भी सर्विसेज देते रहेंगे, ठीक है। वो आगे मतलब ये चलता रहेगा उनका, कोई इस तरह हुआवे के करंट यूजर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जो घर पे यूज़ कर रहे हैं हमारे पास, जो सब परेशान हो रहे थे कि भाई गूगल ये हुआवे। ये काफ़ी ज़रूरी से क्लेरिफाई करना कि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह एक्सेस खत्म हुई है एंड्रॉइड की, तो जो करंट यूजर्स हैं हुआवे के उनको टेंशन लेने की, इसलिए हमने वीडियो को स्टार्ट किया, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन बिलियंस एंड बिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस यूजर्स जो हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन के, वो गूगल खोएगा उनको, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इतने सारे लोग जब एकदम से एंड्रॉइड एप्लीकेशन की एक्सेस खत्म होगी तो बहुत ज़्यादा बैकफायर गूगल के लिए भी हो सकता है बिल्कुल। वो 90 डेज का आई गेस आज ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने 90 डेज के लिए बैन अपलिफ्ट किया है। तो अभी लेकिन ये कि जो इसका हुआवे वालों का इसके ऊपर जो रिएक्शन था, उन्होंने ये कहा है कि ये इट डजंट मैटर फॉर अस, हम अपने प्लान बी के ऊपर काम कर रहे हैं बिल्कुल, उनके पास प्लान बी है। और इनफैक्ट चाइना में तो ना, चाइना में गूगल प्ले सर्विसेज आखिरी मतलब 3-4 साल में 50% बिल्कुल ऑलरेडी उनके यूजर्स जो है ना गूगल प्ले सर्विसेज इस्तेमाल ही नहीं करते। तो चाइना में ये चीज़ इतनी इफेक्ट नहीं करेगी, ग्लोबली इट विल बी एन इफेक्ट फॉर हुआवे। जाहिर सी बात है हुआवे को नुकसान तो होगा, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है इंटरनेशनली ग्लोबली सब सब पे होगा। एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, सैमसंग ने 2015 में ट्राई किया था बिल्कुल ऐसे ही है ओएस लॉन्च करने के लिए, टेक्सन नाम था क्या टेक्सन, लेकिन अब टाइजन नाम था लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं चल सके वो भी बिल्कुल। सबसे मेजर फैक्टर जो हुआवे को अब देखना पड़ेगा ना, वो ये है कि वो अपना ओएस तो बना लेंगे बिल्कुल, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बात है दे हैव टू कन्विंस द डेवलपर्स थर्ड पार्टी को कि आप हमारे इको सिस्टम में आए, अब हमारे ओएस में आए और ऐप्स डेवलप करें, जिस तरह व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं। एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट वाला हाल एग्जैक्टली, लूमिया आया नोकिया का, लेकिन जब तक कस्टमर की एक्सेप्टेंस नहीं है आप मार्केट में रह नहीं सकते, नहीं रह सकते। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हर्डल है हुआवे के लिए। 3 months मिले हैं ना बिल्कुल, 3 months में तो ये गूगल उनको हेल्प आउट करेगा, सब कुछ उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। अब ये भी नहीं पता ना कि एक्सटेंड होता है कि नहीं। हाँ इस तरह के इश्यूज में ये भी होता है, कई दफ़ा टेंशन खत्म भी हो जाती हैं।
तो हो सकते हैं, चांसेस अभी तक तो नजर नहीं आ रहे लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो 90 डेज के लिए तो अभी बैन अपलिफ्ट है, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता क्या होगा, मतलब ये है ना पैचअप भी हो सकता है, पैचअप भी हो सकता है। शाह साहब को तो नहीं हुआ, शायद इनका हो जाए, इन दोनों का हो जाए कंपनीज का शायद। बाकी एंड करते हैं वीडियो को, बिल्कुल बोल नहीं करना आपके लिए जो क्लैरिफाई करना वो ये है, जमाल भाई घबराना नहीं है, घबराना नहीं है करंट यूजर्स को स्पेशली, अभी तक आपको कोई इशू नहीं होगा, अपडेट्स भी आपको आएंगी। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस सेक्शन phonebox.pk, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिस इज जमाल भाई, वी ऑल लव हिम, अल्लाह हाफिज़।